गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 8 इंग्लिश का वीडियो भाग 3 है और आज के इस भाग में हम एक्टिविटी 3 और 4 पढ़ेंगे और हल करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3। तो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 3 ये है, हियर आर सम रिडल्स, यहाँ पे कुछ पहेलियाँ हैं, ट्राई टू सॉल्व देम इन ग्रुप। आप अपने ग्रुप में जो है अपने दोस्तों के साथ बैठ के इसको हल कीजिए कि ये पहली किसके बारे में लिखा है, देन राइट द आंसर, उसके बाद आप आंसर लिखिए। आपको टोटल 4 पहेलियाँ दी हैं, ए बी सी डी, और नीचे जो है ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन आप ऑप्शन देख रहे हो थोड़ा स्पेलिंग जो है इधर उधर कर दिया है, तो आपको पहले इनकी स्पेलिंग करेक्ट करनी होगी। और आप वीडियो स्क्रीन में देख भी पा रहे होगे, आपको मैंने करेक्ट करके लिखी हुई है, और आपको इन्हीं ऑप्शंस को जो है कौन सा राइट ऑप्शन कौन से क्वेश्चन में आएगा, कौन से रिडल में आएगा, वो आपको भरना है। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं। इट बिगिंस जस्ट वेयर इट एंड्स, एक ऐसी चीज़ जो जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ख़त्म होती है। एंड योर लवली हाउस देयर इट स्टैंड्स, और आपके घर के सामने जो है ना वो हमेशा रहती है, आप अपने घर के सामने से उसको देखते हो। व्हाट इज इट, तो वो क्या है? तो आप नीचे ऑप्शन में देखो, रोड है, आप पिक्चर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे रोड, आर ओ ए डी, रोड लिखोगे आप। अब बी देखते हैं, नो टंग नो ईयर, ना तो जीभ है, टंग मतलब जीभ, नो ईयर ना तो कान है। आई कैन स्पीक एंड सिंग, लेकिन मैं जो है बोल सकता हूँ और गा सकता हूँ। एंड हियर, और सुन सकता हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा टैप रिकॉर्डर। आप पिक्चर में देख पा रहे होगे टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर क्या काम करता है कि उसमें जो है आप किसी की वॉइस जो है रिकॉर्ड भी कर सकते हो, फिर उसको आप प्ले कर सकते हो, उसमें गाने बजा सकते हो, तो वो सुनता भी है बोलता भी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेप रिकॉर्डर। तो नेक्स्ट देखते हैं, इट रन्स नाइट एंड डे, एक ऐसी चीज़ है जो दिन रात चलती रहती है, दौड़ती रहती है, बट इट नेवर रन्स अवे, लेकिन वो कभी थकती नहीं है। व्हाट इज़ इट, वो क्या है? तो वो हमारी घड़ी होती है, क्लॉक, तो आप क्लॉक लिखेंगे। आइए फोर्थ देखते हैं, दिस हाउस ऑन व्हील्स रन्स अ रेस, तो ये कैसा घर है जो पहियों पर है। दिस हाउस ऑन व्हील्स, पहियों पर रहने वाला घर जो है, रन्स अ रेस, जो एक हमेशा रेस लगाता है। एंड इट टेक्स पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है, लेके जाता है। व्हाट इज़ दिस, तो वो क्या है? तो नीचे ऑप्शन है ट्रेन, तो जो व्हील पे रहती है, आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे ट्रेन। तो यहाँ पे आपका एक्टिविटी नंबर 3 एंड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4। तो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 4 है, तो आइए इसको रीड करते हैं। योर टीचर विल रीड दिस प्ले फॉर यू, आपके टीचर जो है आपके लिए इस प्ले को, एक नाटक है, उसको आपके लिए पढ़ेंगे। लिसन टू द टीचर, आप अपने टीचर की बातों को सुनिए। एंड देन यू रीड द प्ले साइलेंटली, उसके बाद आप आराम से जो है शांति से इस प्ले को पढ़िए। तो यहाँ पर एक नाटक दिया गया है, और नाटक में से एक प्रोग्राम हुआ है, तो उस प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। तो इस प्रोग्राम में जो है, प्रोग्राम का नाम है फास्ट फिंगर फर्स्ट, मीन्स सबसे तेज जो है अपनी उंगलियाँ कौन चलाता है। अपने टीवी में देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति आता है, तो जो उसमें सबसे पहले बजर दबाता है, एक बटन होती है, उसको जो सबसे पहले दबाता है, तो वो जो है उस प्रश्न का आंसर दे सकता है। तो ऐसे ही कुछ राउंड है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन स्टार्ट होती है विकास से, विकास जो है वो एंकर है, तो वो जो है एंकरिंग कर रहा है, मीन्स लोगों के बारे में सूचना देगा। तो स्टार्ट करते हैं, विकास सेड, विकास कहता है, विकास ने कहा, हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन, हेलो सुबह का नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। टुडे, आज एट आवर स्मिथ विद्यालय, हमारे स्मिथ विद्यालय में वी हैव द फोर्थ एनुअल स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कॉन्टेस्ट, तो जो है हमारे स्कूल में आज चौथा जो है वार्षिक स्मार्ट स्टूडेंट स्कूल का कॉम्पिटिशन है, सबसे स्मार्ट स्टूडेंट कौन निकलता है इस कॉम्पिटिशन के बाद पता चलेगा। Our English teacher, Mr. Parmar, is the host of this competition. जो हमारे English teacher Parmar हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हो Mr. Parmar की फ़ोटो, तो वो होस्ट हैं इस कॉम्पिटिशन के। एंड विथ हिम, उनके साथ जो है,
द स्कोरर इज मिस्टर ब्राइट हिज ऑन लैपटॉप, और उन्होंने स्कोर जो है सबका स्कोर लिखने के लिए किसने कितने अंक प्राप्त किए वो अपने लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, और अपने उन्होंने अपने लैपटॉप का नाम जो है मिस्टर ब्राइट रखा हुआ है, तो आप पिक्चर में वो भी देख सकते हो। आवर प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा इज़ द एक्सपर्ट, हमारे जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के मिस्टर शर्मा, आप पिक्चर में देख रहे हो बच्चों के बीच बैठे हुए हैं, वो जो है एक्सपर्ट है। टुडे वी हैव 9 कंटेस्टेंट्स, हमारे पास जो है आज 9 कंटेस्टेंट 9 लोग जो है प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं, आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे होंगे। दे हैव कंप्यूटर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ देम, उन सभी के सामने जो है कंप्यूटर की स्क्रीन है, कंप्यूटर पड़े हैं। ऑल ऑफ अस आर ईगरली अवेटिंग द स्टार्ट, हम सभी जो है इस कॉन्टेस्ट का के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलो हम समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर परमार आप कहते हैं, मिस्टर परमार सेड, मिस्टर परमार ने कहा, थैंक यू विकास, विकास धन्यवाद। हे एवरीवन, सुनो आप सभी, वेलकम अगेन, आप सभी का स्वागत है। एंड ऑल द बेस्ट टू द पार्टिसिपेंट, और सभी प्रतिस्पर्धी को उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा, मतलब अच्छे भविष्य की कामना की, मतलब आज का ये जो कॉन्टेस्ट है आपका वो अच्छा जाए। तो कंटेस्टेंट जवाब देते हैं, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अब मिस्टर परमार सेड, मिस्टर परमार कहते हैं, द फर्स्ट राउंड इज फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, जो पहला जो चरण है वो फास्ट फिंगर फर्स्ट है, मीन्स बजर राउंड है, आपको एक बजर दबाना होगा, बटन दबानी होगी, और जो बटन पहले दबाएगा वही जवाब देगा। ओके रेडी, आप सभी तैयार हैं। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर, मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दूंगा आपके कंप्यूटर पर, एंड यू विल गेट मैक्सिमम 7 सेकेंड, और आपको इसके लिए 7 सेकेंड मिलेंगे, अधिक से अधिक 7 सेकेंड। द कंटेस्टेंट विद द क्विकेस्ट फिंगर विल कम टू दिस स्मार्ट सीट, और जो इस प्रश्न का जवाब जो है सबसे जल्दी देगा वो मेरे सामने आकर के बैठेगा। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, सबसे पहले जो है सारे कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछा जाता है, उस सवाल का जो सबसे जल्दी जवाब देता है उसको जो है फिर हॉट सीट पे, मतलब जो है मेन राउंड के लिए बुलाया जाता है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ, अभी आपका समय शुरू होता है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर, मेक अ सेंटेंस, आप सभी को जो है कुछ नीचे वर्ड दिए हैं और इन सभी वर्ड को जो है शब्दों को जो है एक सही क्रम में लगाना है जिससे एक वाक्य बन जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बेस्ट, बी फ्रेंड, सी ट्रीज, डी आर, एंड ई जो है वो आवर है। आप सभी भी बनाते रहिए वीडियो के साथ साथ। कंटेस्टेंट्स सिलेक्ट देयर आंसर, सभी कंटेस्टेंट्स ने अपना आंसर सिलेक्ट किया। द करेक्ट ऑर्डर इज सी डी ई ए बी, तो सबसे आप जो ये जो है करेक्ट ऑर्डर है किस तरह से इन वर्डों को लगाया जाएगा, इन तो आएगा ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। सो चलते हैं, अब मिस्टर परमार बोलते हैं, ओके नाउ द टाइम इज अप, अब समय समाप्त हुआ, लेट्स सी, चलो देखते हैं हु इज द क्विकेस्ट, कौन सबसे तेज है। एंड सी इज नंदिता गोसाई, वो जो सबसे तेज थी वो थी नंदिता गोसाई हैं। सी टुक ओनली 3 सेकेंड, और उसने जो है केवल 3 सेकेंड लिया आंसर देने में। वेलकम नंदिता, नंदिता आपका स्वागत है, कम टू दिस स्मार्ट सीट, तो अब आप इस स्मार्ट सीट पे मेरे सामने आके बैठी, आप पिक्चर में भी देख सकते हो स्मार्ट सीट पे आके नंदिता बैठी है। नंदिता, ओ थैंक यू सर, नंदिता जवाब देती है, थैंक यू सर, धन्यवाद करती सर का, आई एम सो लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मिस्टर परमार कहते हैं, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। नंदिता कहती है, यस सर, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। चलो आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या स्टोरी है। तो पिछले पेज में आपने देखा था कि नंदिता ने सर को, मिस्टर परमार को कहा कि सर मैं तैयार तो हूँ लेकिन मुझे कुछ कहना है, तो वो कहती है, तो मिस्टर परमार कहते हैं, यस श्योर, आप बिल्कुल कह सकते हो। तो नंदिता सैड, नंदिता कहती है, सर लास्ट ईयर आई ट्राइड हार्ड बट कुडंट रीच हियर, लास्ट ईयर जब ये कंपटीशन हुआ था तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं इस सीट पर नहीं पहुंच पाई थी। तो मिस्टर परमार सेड, मिस्टर परमार कहते हैं, राइट, ठीक है, यू हैव गॉट अ चांस, तो इस बार आपको चांस मिला है।
ओके नाउ लेट्स हैव द रूल्स, चलो हम रूल्स को समझते हैं जो नियम हैं इस खेल के। आई विल आस्क यू 6 क्वेश्चंस, मैं आपसे जो है टोटल 6 प्रश्न पूछूंगा। ईच करेक्ट आंसर विल ब्रिंग यू अ गिफ्ट, और हर एक सही जवाब जो है आपको एक गिफ्ट देगा, आपके लिए एक गिफ्ट लाएगा। एंड द 6 करेक्ट आंसर विल गेट यू अ स्कॉलरशिप, और जब आप पूरे 6 क्वेश्चंस का जवाब जो है सही दोगे तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। एंड यू विल गेट ₹200 एवरी मंथ, और आपको पूरे साल भर हर महीने जो है आपको ₹200 हर महीने मिलते रहेंगे। हियर इज मिस टिक टिक, और आप देख सकते हैं मिस टिक टिक पिक्चर में दिख रहा है। इट विल गिव यू ओनली 1 मिनट फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, और ये जो टिक टिक घड़ी है ये जो है आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जो है 3 मिनट देगी, 1-1 मिनट देगी। तो पहले 3 क्वेश्चन के लिए देर आर 3 हेल्पलाइंस, आपके पास 3 हेल्पलाइन है जो आपको सहायता करेगी इनका जवाब देने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है। यू कैन यूज़ एनी 2 ऑफ देम, आप इनमें से कोई भी दो जो है यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 हेल्पलाइन दिया हुआ है, पहला हेल्पलाइन जो है हेलो हेल्प है, मीन्स आपको किसी को कॉल कर सकते हो। दूसरा जो है एक्सपर्ट एडवाइस है, आप एक्सपर्ट जो है हमारे उनसे आप सलाह ले सकते हो। उसके बाद जो वहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं आप उनका भी सपोर्ट ले सकते हो। तो थर्ड वन जो है वो स्टूडेंट सपोर्ट है, उनकी सहायता ले सकते हैं। तो नंदिता कहती है यस सर, ठीक है सर। तो मिस्टर परमार सेड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है हु रोड द पोयम ग्राम माता, हियर आर द ऑप्शन, है ना। ग्राम माता पोयम कविता जो है वो किसने लिखी, और ये आपके ऑप्शन है, विकल्प जो है 4 विकल्प उन्होंने दिया। करसन दास मानिक, कलापी, उमा शंकर जोशी और प्रेमानंद। तो ये 4 ऑप्शन दिए जो है मिस्टर परमार ने नंदिता को। नंदिता कहती है सर इट इज़ बी कलापी। तो नंदिता ने जवाब दिया सर इसका सही आंसर जो होगा बी कलापी। तो मिस्टर परमार कहते हैं आर यू श्योर, पक्का। तो नंदिता कहती है यस सर। तो मिस्टर परमार कहते हैं इट इज़ योर फाइनल फिक्स, तो आपका ये फाइनल आंसर है, मतलब आखिरी जवाब है, लॉक कर दिया जाए इसको। तो नंदिता कहती है यस सर, हाँ ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मिस्टर परमार कहते हैं सो लेट्स सी, चलो देखते हैं। मिस्टर ब्राइट प्लीज़ शो द राइट आंसर, और आप सभी जानते हो मिस्टर ब्राइट जो है वो स्कोरर हैं, तो वो चेक कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे उनको ये राइट आंसर है या नहीं। कंप्यूटर शोस द आंसर, कंप्यूटर जो है आंसर दिखाता है। एंड यस यू आर राइट, और सही जवाब होता है वो। तो मिस्टर परमार कहते हैं यस यू आर राइट, आप सही हो, इट इज़ बी, इसका आंसर बी है। यू विन द फर्स्ट गिफ्ट, आपने पहली गिफ्ट जो है पहला गिफ्ट जीत लिया है। कलापी रोड दिस गुजराती पोएम, कलापी ने ही इस गुजराती कविता को लिखा था। मिस्टर परमार सेड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन। विच सी टच गुजरात, कौन सा समुद्र जो है गुजरात को छूता है, मतलब गुजरात कौन से समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और ऑप्शन दिया जाता है 4, द अरेबियन सी, अरब सागर, द एरल सी, एरल सागर, द रेड सी, रेड सागर, और येलो सी, है ना, पीला सागर। तो ये 4 ऑप्शन जो है दिए जाते हैं। नंदिता कहती ओ आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। इट मे बी आइदर बी और सी, ये जो है बी हो सकता है या सी हो सकता है। मिस्टर परमार कहते हैं मिस टिक टिक इज़ गोइंग फास्ट, है ना, घड़ी मिस टिक टिक मतलब घड़ी जो है बहुत फास्ट चल रही है। इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं हो, पक्का नहीं है आपका आंसर, यू हैव हेल्प लाइंस, आपके पास हेल्पलाइंस हैं। पहले ही बताया गया था 3 हेल्पलाइंस है, तो आप कोई भी 3 हेल्पलाइंस में से किसी भी 2 का यूज़ कर सकते हो। नंदिता कहती है नंदिता सेड यस सर हेल्पलाइन प्लीज़, है ना, मैं हेल्पलाइन का यूज़ करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेक हेलो हेल्प, मैं हेलो हेल्प का यूज़ करना चाहती हूँ जिसमें आप फ़ोन लगा सकते हो किसी को। आई वॉन्ट टू कॉल माई आंटी, मैं अपने आंटी को कॉल करना चाहती हूँ। मिस्टर परमार कहते हैं ओके मिस टिक टिक प्लीज़ स्टॉप, है ना, घड़ी को कहते हैं अब रुक जाइए। नंदिता डायल द नंबर, नंदिता नंबर डायल करती है, नंदिता डायल्स द नंबर। अब नंदिता फ़ोन पे बात कर रही है, हेलो आंटी, आंटी कहती यस, नंदिता कहती हेलो आंटी आई एम नंदिता, मैं नंदिता हूँ, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉन्टेस्ट,
मैंने जो है स्मार्ट स्कूल स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉन्टेस्ट में भाग लिया है। आई वॉन्ट योर हेल्प, मैं आपकी मदद चाहती हूँ। आई एम एट सेकेंड क्वेश्चन, मैं जो है दूसरे प्रश्न पर हूँ। एंड आई हैव ओनली वन मिनट, और मेरे पास केवल एक मिनट है। माई टाइम विल स्टार्ट वेन आई स्टार्ट टू आस्क यू द क्वेश्चन, मेरा समय जो है शुरू हो जाएगा जब मैं आपसे प्रश्न पूछना शुरू करूँगी। ओके तो आंटी कहती हूँ, ओके नंदू आई एम रेडी, टेल मी, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ क्या है क्वेश्चन। तो नंदिता कहती है, वी सी टस गुजरात, है ना, गुजरात गुजरात को कौन सा समुद्र छूटता है, और वो चारों ऑप्शन जो है रिपीट करती है। तो आंटी कहती है, आई थिंक इट्स ए और बी। तो उनका जवाब भी कोई फिक्स नहीं होता है, तो वो बोलती हैं मेरे ख्याल से जो है शायद ए है या तो बी है। तो नंदिता कहती है, फास्ट आंटी फास्ट, जल्दी करो, मेरा टाइम जा रहा है। आंटी, ओके यू हैव टू चूज ए, तो आपको ए चूज़ करना चाहिए। वो कहती हैं, फ़ोन कट्स और फ़ोन कट जाता है। नंदिता कहती, ओ आई थिंक आंटी पुट्स स्ट्रेस ऑन ऑप्शन ए। तो नंदिता कहती है कि मुझे लगता है कि आंटी ने जो है ऑप्शन ए पे भार दिया है, कि ऑप्शन ए मुझे बोलना चाहिए। तो मिस्टर परमार कहते हैं, मिस टिक टिक इज़ गोइंग, है ना, घड़ी जो है टिक टिक जो है वो चल रही है, गिव मी योर फाइनल फिक्स, आप अपना आखिरी उत्तर दीजिए। नंदिता कहती, सर माई फाइनल फिक्स इज़ ए। तो नंदिता कहती, मेरा जो फाइनल आंसर है वो ए है। मिस्टर परमार कहते हैं, ओके लेट्स आस्क मिस्टर ब्राइट, चलो मिस्टर ब्राइट से पूछते हैं। मिस्टर ब्राइट जो है कंप्यूटर है, वो राइट आंसर रॉन्ग आंसर सब चेक कर रहे हैं। तो कंप्यूटर शोज आंसर, कंप्यूटर आंसर देखता है, शो करता है, दिखाता है। एंड यस योर आंटी इज़ राइट, आपकी आंटी सही है, यू विन अनदर गिफ्ट, आपने दूसरा गिफ्ट भी जीत लिया है, जीता है। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए ये आपका नेक्स्ट पेज है, तो स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। नंदिता कहती, ओ आई कांट बिलीव दिस, है ना, मुझे मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू आंटी, है ना। वो अपने आंटी को भी धन्यवाद करती क्योंकि उसकी आंटी ने उसकी हेल्प की और उसको एक जवाब जो है सही बताया। अब मिस्टर परमार सेड, मिस्टर परमार कहते हैं, ओके नंदिता कीप इट अप, है ना, ओके नंदिता आप इसी तरह लगे रहो। नाउ दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन, अब ये जो है तीसरा प्रश्न है, आफ्टर दिस मिस टिक टिक विल नॉट डिस्टर्ब यू, है ना, आपको पहले ही बताया गया था जो घड़ी जो है पहले तीन सवालों के लिए ही है, तो इसके बाद के जो सवाल आएंगे उसमें घड़ी जो है टिक टिक जो है परेशान नहीं करेगी, कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। ओके लेट्स सी, चलो देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टू टैंक डबल्स एवरी मिनट, द टैंक इज फुल इन एन आवर, व्हेन वाज द टैंक हाफ फुल। तो क्वेश्चन जो कहता है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टू टैंक, जो पानी की मात्रा है जो टैंक में बह रहा है वो डबल हो जाता है हर मिनट जो है दुगना हो जाता है। द टैंक इज फुल इन एन आवर, पूरी टंकी जो है वो एक घंटे में भरती है। तो व्हेन वाज द टैंक हाफ फुल, तो टंकी जो है पानी की टंकी जो है आधी कब होगी, किस समय पर रही होगी। तो नंदिता जो है कहती है, आई न्यू द आंसर, आई नो द आंसर, मैं ये आंसर जानती हूँ, इट इज़ सी। तो इसका जवाब जो होगा सी होगा, 59 मिनट्स। तो अभी आप सभी लोग को लग रहा होगा कि पूरी टंकी एक घंटे में भरती है, तो आधी टंकी जो है वो जो है 30 मिनट में भरेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 59 मिनट्स में जो है हर मिनट जो है वो डबल हो रही है। तो 59 मिनट में जो है आधी भरी होगी, तो एक मिनट के बाद जब 60 मिनट होंगे तो वो पूरी भर जाएगी, डबल हो जाएगा पानी। तो राइट आंसर 59 है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आगे देखते हैं। वैसे मिस्टर परमार, यस यू आर क्वाइट राइट, आप बिल्कुल सही हो नंदिता, यू विन अनदर गिफ्ट, आप जो है एक और गिफ्ट जीत गए। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम मिस टिक टिक, अब आप जो है घड़ी से जो है आज़ाद हो गए हो, अब घड़ी की कोई पाबंदी नहीं है। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, अबाउट यू टू द ऑडियंस, आपके बारे में जो है ऑडियंस को कुछ बताना चाहता हूँ। नंदिता इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, नंदिता जो है एक अच्छी प्लेयर है हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। शी वॉन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द लास्ट इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट, तो उस नंदिता ने जो है लास्ट जो इंटर स्कूल
हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैन उसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो है अवार्ड लिया था, मतलब उस खेल में जो है सबसे अच्छी प्लेयर वो साबित हुई थी, तो उनको अवार्ड मिला था। लेट्स क्लेप फॉर दैट। तो सभी लोग इसके लिए ताली बजाइए। तो अब नैनीता कहती है थैंक यू सर, नैनीता सैड थैंक यू सर, धन्यवाद कहती है सर का। अब मिस्टर मेहता वापस, अब मिस्टर मेहता कहते हैं ओके लेट्स गो ऑन, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज विच गैस डू ट्रीज ब्रेथ इन, विच गैस डू ट्रीज ब्रेथ इन, कौन सी गैस जो है ना पेड़ जो है सांस लेकर अंदर डालते हैं, मतलब अंदर सांस लेते हैं। तो जैसे इंसान जो है ऑक्सीजन लेता है ना, ह्यूमन जो है वो इंसान जो है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, तो पेड़ कौन सी गैस जो है वो सांस के अंदर लेते हैं। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन। तो नैनीता कहती है आई थिंक इट इज़ बी, मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद बी है। तो मिस्टर परमार कहते हैं इज़ दैट योर फाइनल आंसर, क्या ये आपका फाइनल आंसर है। तो नैनीता कहते हैं, नैनीता कहती है यस सर आई वॉन्ट टू गो विथ ऑप्शन बी, मैं ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मिस्टर परमा कहते हैं लेट्स सी, चलो देखते हैं। ऊप्स, अरे बाप रे, दिस इज़ आ रॉन्ग आंसर, ये जो है गलत जवाब है। यू लूज़ द गेम, आप जो है गेम जो है खेल जो है हार गए। द करेक्ट आंसर इज़ ए, जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आएगा इसका सही जवाब। तो नैनीता कहती है, नैनीता जो है हार जाती है, उसको दुख होता है, तो कहती है ओह। तो मिस्टर परमार कहते हैं डोंट वरी वेल प्लेड, है ना, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, वेल प्लेड नंदिता, आपने अच्छा खेला नंदिता, टेक योर सीट, आप अपनी सीट पर वापस जाके बैठिए। नाउ अदर कंटेस्टेंट्स कीप योर फिंगर्स ऑन द बजर, है ना, आप सब बाकी जो कंटेस्टेंट हैं प्रतिस्पर्धी हैं वो सभी जो है बजर पर अपना हाथ रखिए। और हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। और जो है अगला क्वेश्चन आ रहा है, जो पहले बजर दबाएगा राइट आंसर देगा उसका जो है वो जो है वापस हॉट सीट पर मेरे सामने आएगा। और जैसा नंदिता के साथ जो है गेम खेला गया वैसे ही गेम उसके साथ भी खेला जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये एक्टिविटी 4 एंड होता है। आइए एक्टिविटी 4 को, 4 के कुछ एक्सरसाइज दी हुई है उसके अंदर, उसको सॉल्व करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे मैच करना है, मैच ए विथ बी, अर्थात जोड़े मिलाना है, ए और बी को मिलाना है। तो आइए देखते हैं ए और बी में क्या क्या दिया है। पहले इनकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। कंपटीशन, सबसे पहला है कंपटीशन, कंपटीशन अर्थात होता है प्रतिस्पर्धा। उसके बाद है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ पैसे फंड दिए जाते हैं स्कूल के थ्रू, सरकार के थ्रू, सरकार से या तो स्कूल के थ्रू दिया जाता है। उसके बाद है तीसरा एक्सपर्ट, एक्सपर्ट वो होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत जानकारी हो, जानकार हो, पढ़ा लिखा हो। उसके बाद फोर्थ जो है वो है कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट मतलब प्रतिस्पर्धी जो भाग लेते हैं। और उसके बाद फिफ्थ लिखा है होस्ट, मीन्स हमारे जो हमने भी नाटक देखा उसमें विकास जो है होस्ट थे, तो सॉरी मिशा परमार जो है होस्ट थे। आइए बी वाले को समझते हैं। पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट मीन्स होता है प्रतिस्पर्धी, हमने ए वाले में भी देखा था जो कंटेस्टेंट था। तो कंटेस्टेंट को मैच करेंगे पार्टिसिपेंट से। और उसके बाद है नॉलेजेबल पर्सन, जानकार व्यक्ति, जानकार व्यक्ति कौन होता है जो एक्सपर्ट होता है। तो हम टू को जोड़े मिलाएंगे थ्री से। और उसके बाद जो है थर्ड जो है कंटेस्ट, कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट मतलब होता है प्रतिस्पर्धा अर्थात कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन और कॉन्टेस्ट को आप मैच करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद है एंकर, एंकर जो होता है जिसको होस्ट कहते हैं, जो प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम चलाता है, मिस नाटक को जो चला रहा था। तो मिस्टर परमार हैं यहाँ पर, तो आप एंकर और होस्ट का जो है जोड़े मिलाएंगे। उसके बाद है फंड फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए पैसे मतलब फंड देना, है ना, तो उसका आप जोड़ करेंगे स्कॉलरशिप से। तो आप वीडियो में भी देख सकते हो, आपको इस तरह से जोड़े मिलाना है। वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब अगला एक्सरसाइज में देखते हैं इसमें क्या दिया है। आपकी जो अगली एक्सरसाइज है उसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मीन्स आपने जो अभी नाटक पढ़ा उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हुई इज़ द होस्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का होस्ट कौन था।
आप लोगों ने देखा मिस्टर परमार जो है वो इस कॉन्टेस्ट के होस्ट थे, तो आप लिखोगे मिस्टर परमार इज़ द होस्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ विकास स्कूल, विकास के स्कूल का नाम क्या है। तो हमने देखा था विकास के स्कूल का नाम स्मित विद्यालय है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विकास स्कूल नेम इज़ स्मित विद्यालय, फुल स्टॉप। तो उसके बाद थर्ड वन है हु इज़ मिस्टर ब्राइट, मिस्टर ब्राइट कौन है। तो मिस्टर ब्राइट इज़ अ लैपटॉप ऑफ मिस्टर परमार, मिस्टर परमार के जो है लैपटॉप उनका नाम जो है मिस्टर ब्राइट था। और व्हाट डज ही डू, वो क्या करते थे, तो वो जो है कंटेस्टेंट्स का जो है स्कोर जो है वो अपने पास रखते थे, कंटेस्टेंट्स का स्कोर जो है नोट करके रखते थे। तो आप लिखोगे मिस्टर ब्राइट द लैपटॉप ऑफ मिस्टर परमार इज द स्कोर। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसमें ही व्हाट डज ही डू, वो क्या करता था, तो वो क्या करता है, तो आप लिखोगे कि ही कीप्स द स्कोर्स ऑफ द कंटेस्टेंट, वो जो है सभी प्रतिस्पर्धियों का स्कोर जो है अपने पास रखते थे, नोट करते थे। तो फोर्थ क्वेश्चन है हु इज़ मिस टिक टिक, मिस टिक टिक कौन है। तो सिंपल सा आंसर है एक घड़ी है, तो आप लिखोगे मिस टिक टिक इज़ क्लॉक, CLOCK। और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी क्वेश्चन डिड नंदिता आंसर करेक्टली, नंदिता ने कितने सवालों का जवाब सही दिया। तो हम सभी जानते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा कि नंदिता ने 3 सवालों का जवाब जो है सही दिया। तो आप लिखोगे नंदिता आंसर्ड 3 क्वेश्चन करेक्टली, तो नंदिता ने जो है 3 सवालों का जवाब सही दिया। तो आइए अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं इसमें कि, तो आपकी अगली एक्सरसाइज है से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मीन्स आपको सेंटेंस पढ़ के बताना है कि ये सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा है, ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं आफ्टर 3 क्वेश्चन अ कंटेस्टेंट विल बी फ्री फ्रॉम मिस टिक टिक। तो 3 क्वेश्चन के बाद जो है सभी प्रतिस्पर्धी जो है वो घड़ी घड़ी से जो है घड़ी के लगाम में से फ्री हो जाते थे, मतलब घड़ी का कोई दबाव नहीं रहता था। तो हमने यहाँ देखा था कि जो पहले 3 क्वेश्चन थे उसके लिए 1 मिनट का टाइम था और बाकी के लिए कोई टाइम नहीं था, तो ये राइट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ट्रू। और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं देर इज़ अ हेल्पलाइन थ्रू विच वी कैन टॉक टू अ पर्सन, गेम में जो है एक हेल्पलाइन थी जिसमें लोग जो है किसी फ्रेंड से जो है किसी व्यक्ति से जो है बात कर सकते थे। और हमने देखा था कि जो नंदिता थी उसने अपनी आंटी को फ़ोन लगाया था, तो ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे हम इस पे लिखेंगे ट्रू TRUE। तो थर्ड सेंटेंस है द एक्सपर्ट इज़ एन इंग्लिश टीचर, जो एक्सपर्ट थे वो इंग्लिश टीचर थे, तो ये रॉन्ग है क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो प्रिंसिपल थे और इंग्लिश टीचर तो खोस थे, तो आप यहाँ पे फोर्स लिखोगे। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं मिस्टर ब्राइट गिव्स 1 मिनट्स टाइम टू द कंटेस्टेंट, मिस्टर ब्राइट जो है सभी प्रतिस्पर्धी को 1 मिनट का टाइम देते थे, तो ये भी रॉन्ग है। इसकी ये काम तो मिस टिक टिक करती थी, जो घड़ी थी वो 1 मिनट का टाइम दे रही थी। तो फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, तो आप फोर्थ सेंटेंस में जो है फॉल्स लिखोगे। और फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं मीराबाई रोड द गुजराती पोएम ग्राम माता, तो ये भी गलत है क्योंकि हमने यहाँ पे नाटक प्ले में देखा था कि ग्राम माता जो पोएम है वो लिखने वाले थे कालापी, तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉल्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।